भारत के वैश्विक स्तर के बहुउद्देशीय कार्यक्रम रायसीना डायलॉग्स का आज से आगाज हो चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के मुताबिक इस सम्मेलन में 90 देशों के करीब 210 नुमाइंदे शामिल होंगे, जिनमें पोलैंड के विदेश मंत्री भी शामिल हैं। आपको बता दें, पोलैंड वही देश है जो कि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग छिड़ी है उसमें काफी अहम भूमिका निभा रहा है। ऐसे में उनका भारत में होना और भारत की किसी सम्मेलन में भाग लेना काफी अहम रोल निभाता है। इसी के साथ ही यूनाइटेड कमीशन के अध्यक्ष भी भारत में मौजूद हैं, जो कि मुख्य अतिथि के रूप में इस सम्मेलन में भाग लेने वाली हैं। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की और आगे होने वाली चर्चाओं को लेकर बात भी की। इस बार के आयोजन का थीम है टेरानोवा इम्पेशेंट इम्पेरल्ड। बता दें कि धरती का सबसे पुराना नाम टेरानोवा है। इस नाम से थीम रखने के पीछे उद्देश्य यही है कि धरती को नई दृष्टिकोण से देखा जाए। विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस थीम के तहत 6 मुख्य विषय हैं, जिसके आसपास पूरा आयोजन केंद्रित होगा। दरअसल रायसीना डायलॉग की शुरुआत साल 2016 में की गई थी। रायसीना डायलॉग सालाना सम्मेलन है जिसमें भू राजनीतिक और भू आर्थिक विषयों पर चर्चा की जाती है। इसका आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन की ओर से संयुक्त रूप से किया जाता है। इसमें कई देशों के विदेश, रक्षा और वित्त मंत्रियों को शामिल किया जाता है। आज से शुरू होने वाला ये सम्मेलन ऐसे मौके पर हो रहा है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस साल की पहली विदेश यात्रा में करीब एक सप्ताह का समय रह गया है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इन विदेश यात्राओं, जिनमें जर्मनी और डेनमार्क की यात्राएं भी शामिल हैं, उन पर इस सम्मेलन का भी काफी खासा असर पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश नीति के लिए जाने जाते हैं। और ऐसे में जब तमाम विदेशी मंत्रियों का जमघट भारत में लग रहा है, तो उनकी क्या राय बनती है और एशिया को लेकर उनकी क्या समझ बनती है, ये काफी अहम होगा। बीते कुछ दिनों से लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है। भीषण गर्मी के चलते लोगों को दिन के समय में घर में कैद होना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में भी माना जा रहा है कि भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिन में तपिश और बढ़ जाएगी। अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। कई राज्यों में लू और आंधी चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में लू अधिक हो सकती है। वहीं कुछ राज्यों में हल्की बारिश का भी अनुमान जताया जा रहा है। बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो फिलहाल दिल्ली में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में इस हफ्ता तापमान सामान्य से 6 डिग्री अधिक रहने का आसार है। 25 से 30 अप्रैल के बीच अधिकतम तापमान 41 से 44 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश भी हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी इस दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं। कुल मिलाकर बताया जाए तो आने वाले दिनों में भी अभी फिलहाल गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है, और आने वाले दिनों में जो कई राज्यों में गर्मी का जो चपेट है वो और अधिक होगी, तो कई राज्यों में मौसम सुहावना बना रहेगा। कांग्रेस ने 26 अप्रैल को केंद्रीय अनुशासनात्मक कमेटी की बैठक बुलाई है। बैठक में पंजाब के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ और केरल कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री केवी थॉमस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। केंद्रीय अनुशासनात्मक कमेटी की बैठक 26 अप्रैल को सुबह करीब 11:30 बजे कांग्रेस के वॉर रूम में आयोजित की जाएगी। 2 हफ्ते पहले कांग्रेस ने अनुशासनात्मक कमेटी की बैठक बुलाकर सुनील जाखड़ और केवी थॉमस को कारण बताओ नोटिस दिया था। दोनों ही नेताओं को 1 हफ्ते के अंदर अपनी बात अनुशासनात्मक कमेटी के सामने रखने को कहा गया था। केवी थॉमस ने तो पार्टी को अपना जवाब भेज दिया, लेकिन सुनील जाखड़ ने कोई जवाब नहीं दिया। अब दोनों नेताओं के मसले पर एक बार फिर से अनुशासनात्मक कमेटी की बैठक 26 अप्रैल को होगी। दरअसल पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर सुनील जाखड़ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की थी। हरीश चौधरी ने अपने पत्र में लिखा था कि सुनील जाखड़ के बयान से पंजाब में पार्टी को नुकसान हुआ है और वे लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि SIPRI ने सोमवार को दुनिया की प्रमुख सेनाओं के सालाना खर्चे की रिपोर्ट दी। अब हम आपको भारतीय सेना के बारे में बताएंगे। विश्व सैन्य खर्च 2021 में 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ अमेरिका नंबर 1 पर है। इसके बाद चीन और फिर तीसरे नंबर पर भारत है।
बात हमारे भारत की करें तो चार साल पहले यानी कि 2018 में भारत की पांचवी पोजीशन थी और तब कुल सैन्य खर्च 66.5 बिलियन डॉलर था, यानी कि 2021 तक इस खर्चे में 10.1 बिलियन डॉलर यानी कि 7.74 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021 में 0.7% बढ़कर 2113 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। 2021 में सेना पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले पांच देशों में अमेरिका, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम और रूस शामिल थे। टोटल एक्सपेंडिचर का 62% हिस्सा अकेले इन पांच देशों ने ही खर्च किया था। भारत ने चीन और पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव और सीमा विवादों के चलते सैन्य बजट बढ़ाया है। भारत का 76.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 5.87 लाख डॉलर रुपए का सैन्य खर्च दुनिया में तीसरे नंबर पर है। ये 2020 से 0.9% और 2012 से 33% ज्यादा है। हमारी सेना और मजबूत हो, ये भारत के लिए राहत और अच्छी खबर है, क्योंकि इससे हमारी सेना और मजबूत होगी, इससे हमारे सैनिकों को और बल मिलेगा और कोई दुश्मन देश किसी भी गुस्ताखी की हिम्मत नहीं करेगा। महाराष्ट्र से शुरू हुआ हनुमान चालीसा विवाद दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में अब बवाल मचा रहा है। इसी मामले को लेकर सांसद नवनीत राणा और विधायक पति को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो वहीं इसी मामले को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महिला नेता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर हनुमान चालीसा और नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी है। पत्र में एनसीपी नेता ने लिखा है कि गृह मंत्री उन्हें एक कार्यक्रम के लिए एक दिन और समय बता दे। फामिदा खान ने कहा कि जिस तरह देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, देश के प्रधानमंत्री को जागना जरूरी हो गया है। अगर रवि राणा और नवनीत राणा माता श्री के बार हनुमान चालीसा पढ़ने का फायदा उठा सकते हैं, तो हमें भी दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री के आवास के बाहर हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, नमाज और गुरु ग्रंथ पढ़ने की इजाज़त मिलनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में 18 साल से लेकर 65 साल के वयस्क नागरिकों को बूस्टर डोज लगाए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड रोधी टीकाकरण को एक बार फिर से आगे बढ़ाया जाएगा। सीएम ने कहा है कि प्रदेश सरकार प्रदेश के करीब 125 करोड़ वयस्क नागरिकों को 300 करोड़ की लागत से बूस्टर डोज मुफ्त में लगाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के वयस्क नागरिक सरकारी किसी भी डिस्पेंसरी में जाकर मुफ्त बूस्टर डोज ले सकेंगे। काबिले गौर है कि इससे पहले हरियाणा में 2,33,00,000 लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि दूसरी डोज 1,88,00,000 लोगों को लग चुकी है। इसके साथ ही सोमवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हुई। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के मुख्य सचिव ने यह आश्वस्त किया है कि हरियाणा सरकार कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर गंभीरता से काम कर रही है और जो भी नए मामले सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक सरकार ने पूरी तरह से रणनीति तैयार की हुई है। एंटी नारकोटिक सेल की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। टीम ने अफीम की खेप के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। डीएसपी आशीष चौधरी ने इस मामले में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने जानकारी देते बताया कि एंटी नारकोटिक सेल नशा तस्करों की लगातार धरपकड़ कर रही है और इसी कड़ी के अंदर उन्हें एक सूचना मिली थी, जिस सूचना पर रामखेड़ी के पास एक युवक को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 2 किलो अफीम बरामद हुई और उससे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो कमलजीत नाम के व्यक्ति से ये लेकर आता है। उस सूचना पर जो है कमलजीत को भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल दोनों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। अगर हम पुलिस की माने तो इसकी कीमत 6,00,000 रुपए के करीब है, जो कि कच्चा माल है। और पुलिस की जानकारी के मुताबिक उनका कहना है कि इस माल के अंदर मिक्सिंग कर इसे 18,00,000 रुपए तक ये मुनाफा कमा सकते थे, लेकिन फिलहाल इनसे पूछताछ की जाएगी ताकि इस पूरी चैन का पता लग सके कि ये इससे कितने लोग जुड़े हैं और कहां कहां इस चीज़ की सप्लाई होनी थी। साथ ही उन्होंने बताया कि इस प्रकार के जो नशा तस्कर पकड़े जा रहे हैं इसमें कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही उन्होंने कहा कि ना सिर्फ अब नशा तस्करों की धरपकड़ की जा रही है बल्कि इस काली कमाई से
जो तैयार की गई संपत्ति जो है उसको भी जब्त किया जाएगा। पकड़े गए तस्करों की प्रॉपर्टी की भी जो है डिटेल की पूरी डिटेल्स ली जा रही है और इनकी संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। फिलहाल टीम का कहना है कि इनसे बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि जांच में और कितने बड़े खुलासे होते हैं। फिलहाल पुलिस इसको बड़ी कामयाबी बता रही है। फरीदाबाद में जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बिजली की समस्या भी लोगों को परेशान कर रही है और सबसे ज्यादा परेशानी उद्योगपतियों को हो रही है। खासकर छोटे वर्कशॉप मालिक काफी परेशान है। उद्योगों में लग रहे कटों की वजह से न केवल उद्योगपतियों को नुकसान झेलना पड़ रहा है बल्कि उनके ऑर्डर भी रद्द हो रहे हैं। उद्योगपतियों का कहना है कि बड़ी मुश्किल से कोरोना के बाद उद्योग पटरी पर आए थे और ऐसे में अब बिजली कटौती उन्हें परेशान किए हुए है। हालांकि दावे तमाम किए जा रहे हैं कि बिजली की समस्या से जल्द उद्योगों को निजात दिलाई जाएगी, लेकिन स्थिति ये है कि अघोषित बिजली कट न केवल बड़े उद्योगपतियों को बल्कि वर्कशॉप मालिकों को भी काफी परेशान किए हुए हैं। वर्कशॉप मालिकों का कहना है कि उनके ऑर्डर लगातार समय पर पूरा ना होने के कारण कैंसिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने उद्योग का अस्तित्व बचाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर सरकार जो दावा कर रही है उद्योगों को पूर्ण बिजली देने का, उस पर कब तक अमल किया जाता है और उद्योगों को पूरी बिजली कब तक मिल पाती है। सोनीपत के कोर्ट परिसर में गोलीकांड के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि पिछले दिनों सोनीपत की बार एसोसिएशन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक अल्टीमेटम दिया था और सोमवार तक का वक्त दिया था और उसके बाद अब सोनीपत पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जहाँ मुख्य रोड को वन वे बना दिया गया है तो वहीं एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं, जहाँ दोनों तरफ पुलिस बैरिकेड्स के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और हर आने जाने वाले वाहन और व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। संदिग्ध होने की अवस्था में चेकिंग अभियान भी सुचारू किए हुए हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में निजी स्कूल संचालकों और पेरेंट्स एसोसिएशन की महाभारत थमने का नाम नहीं ले रही। आज निजी स्कूल संचालकों ने पूरे जिले के स्कूलों को बंद रखा और प्रदर्शन करते हुए कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय पहुंचे। निजी स्कूल संचालक पेरेंट्स एसोसिएशन की रवैये से परेशान हैं। उन्होंने उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा और अपनी सुरक्षा को लेकर स्कूलों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए हैं। ज्ञापन के माध्यम से पिछले दिनों पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा एक स्कूल पर ताला जड़ने को लेकर भी उन्होंने कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हरियाणा सरकार की नई शिक्षा नीति से खुश होकर अब बच्चे सरकारी स्कूलों की तरफ रुझान करने लगे हैं। वहीं सरकारी स्कूलों का स्टाफ भी अब घर घर जाकर सरकारी स्कूल के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यही कहना है रोहतक की जिला शिक्षा अधिकारी विजय लक्ष्मी नांदल का कहना कि सरकार की अच्छी नई शिक्षा नीति है, अब सरकारी स्कूलों की तरफ बच्चों का रुझान बढ़ने लगा है और हर क्लास में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, जिसके बाद अब हर माता पिता चाहता है कि उनके बच्चे को सस्ती और अच्छी शिक्षा मिले, जिसको लेकर अब बच्चे अब सरकारी स्कूलों में आने लगे हैं। वहीं विजय लक्ष्मी नांदल ने बताया कि अब सरकारी स्कूलों में हर सुविधा उपलब्ध है। लैब टेक्नीशियन, कंप्यूटर लैब या खेल की बात करें तो हर सुविधा बच्चों को दी जाती है और सरकार की तरफ से फ्री किताबें भी दी जाती हैं, जिसको लेकर हर माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। अब उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत अब बच्चों को मुख्यमंत्री योजना के तहत एक अच्छी सुविधा आने वाली है, जिसको लेकर वह टैबलेट भी देंगे और बच्चे हाईटेक बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों को इंग्लिश भी बोलना सिखाया जाता है, जिसको लेकर सरकारी स्कूलों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। इंद्री पुलिस ने दो स्नैचिंग के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी का रिमांड लेने के बाद जो भी उसने स्नैचिंग की थी उन चीज़ों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको दो स्नैचिंग की घटनाएं घटी थी। एक घटना गांव खानपुर की रहने वाली एक महिला के साथ, वहीं पर एक जैनपुर की महिला थी उसके साथ, दोनों के साथ ही इंद्री के बाजार के अंदर स्नैचिंग का मामला हुआ था, जिसमें से युवक एक बाइक पर आता है और बाइक पर आते ही महिला से
उसका पर्स छीन करके फरार हो जाता है। जब इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है, पूरे एरिया में पूछताछ की जाती है, वहीं पर सीसीटीवी भी फुटेज भी खंगाली जाती है और सीसीटीवी फुटेज के अंदर एक युवक पीली जो शर्ट पहने हुआ आता है, वह आकर के महिला का बैग छीन करके फरार हो जाता है। पुलिस ने उसी आधार को लेकर के पुलिस ने एक गांव में दमबिश दी, जहां पर उस युवक को वहां से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ करी तो उसने दोनों ही वारदातों को कबूल कर लिया है। युवक का नाम प्रवीण बताया जा रहा है और वह गांव जोड़माजरा का रहने वाला है। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसके पास से वह सामान जो था वह भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। अब हरियाणा के किसानों को देसी कपास की बिजाई के ऊपर 3,000 रुपये प्रति एकड़ का प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से मिलेगी। आपको बता दें कि अब तक किसान बीटी कॉटन की फसल बोते थे, जिसमें अब काफ़ी कीट पतंगे आने लगे हैं। हरियाणा सरकार का मानना है कि अब इन कीट पतंगों को मारना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। कृषि विभाग के उपनिदेशक आत्माराम गोदारा ने कहा कि सरकार ने इस बार आदेश दिए हैं कि लोगों को, किसानों को जागरूक किया जाए, उन्हें बताया जाए कि देसी कपास है वो बोई जाए, ताकि उसकी फसल भी अच्छी होगी और नुकसान भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर किसान देसी कपास की फसल बोते हैं तो उन्हें 3,000 रुपये प्रति एकड़ का प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से जाएगी। वहीं किसान भी इस स्कीम से काफ़ी अपने आप को लाभान्वित महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की स्कीम काफ़ी अच्छी है, उन्हें काफ़ी बेनिफिट होने की संभावनाएँ हैं। अब हरियाणा के किसानों को देसी कपास की बिजाई के ऊपर 3,000 रुपये प्रति एकड़ का प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से मिलेगी। आपको बता दें कि अब तक किसान बीटी कॉटन की फसल बोते थे, जिसमें अब काफ़ी कीट पतंगे आने लगे हैं। हरियाणा सरकार का मानना है कि अब इन कीट पतंगों को मारना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। कृषि विभाग के उपनिदेशक आत्माराम गोदारा ने कहा कि सरकार ने इस बार आदेश दिए हैं कि लोगों को, किसानों को जागरूक किया जाए, उन्हें बताया जाए कि देसी कपास है वो बोई जाए, ताकि उसकी फसल भी अच्छी होगी और नुकसान भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर किसान देसी कपास की फसल बोते हैं तो उन्हें 3,000 रुपये प्रति एकड़ का प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से जाएगी। वहीं किसान भी इस स्कीम से काफ़ी अपने आप को लाभान्वित महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की स्कीम काफ़ी अच्छी है, उन्हें काफ़ी बेनिफिट होने की संभावनाएँ हैं। स्कूल में बच्चों को शिक्षा देने वाले अध्यापकों को गुरु का दर्जा दिया जाता है। ऐसे ही एक गुरु ने सरकारी स्कूल में बच्चों के साथ अभद्र व अश्लील टिप्पणी करके गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार किया गया है। गांव कलेरी के सरकारी स्कूल में इस प्रकार का एक मामला आया है, जहां एक अंडर ट्रेनर टीचर ने स्कूल में पढ़ रही छात्र व छात्राओं को न सिर्फ अश्लील व अभद्र टिप्पणी करके उन्हें बेइज्जत किया है, बल्कि स्कूल में अपनी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को उनकी जाति के आधार पर बांटकर एक विवाद खड़ा कर दिया है। जैसे ही बच्चों के अभिभावकों की इसकी सूचना मिली, वो आज सुबह गांव कलेरी के सरकारी स्कूल में पहुंच गए और जमकर बवाल काटा। ग्रामीणों का कहना है कि जिस प्रकार से यह टीचर न सिर्फ जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि छात्राओं के साथ अश्लील व अभद्र टिप्पणी भी करता है, जिसको लेकर पूरे दिन आज बवाल मचता रहा। ग्रामीणों का कहना है कि जिस प्रकार से इस टीचर ने ये कुकृत्य किया है, कहीं ना कहीं वह गुरु के रिश्ते को शर्मसार करता है। ग्रामीणों का कहना है कि इस टीचर को यहां से बदला जाए और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, उस उत्तेजित छात्रों ने उस अध्यापकों के साथ मारपीट की और स्कूल से निकाले जाने की मांग की। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। सोमवार सुबह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल भवन स्थित मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। ये मीडिया सेंटर करीब 16.5 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मीडिया सेंटर के उद्घाटन के बाद कहा कि लंबे समय से ये मांग लंबित थी और ऐसे में सरकार भी इस जरूरत को महसूस कर रही थी कि पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की खबरें राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंचाने के लिए इस तरह के सेंटर की जरूरत है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 4.25 साल में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बेहतरीन काम किए हैं। उन्होंने कहा कि ये जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश की बातें मीडिया तक आए, ताकि देश का हर आदमी हिमाचल प्रदेश के बारे में जान सके।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि उन्होंने सामाजिक न्याय का ध्यान रखा है, साथ ही साथ जिस केंद्र की योजना का लाभ हिमाचल प्रदेश के लोगों को नहीं मिल सका, केंद्र के सहयोग से बाद में उसे प्रदेश स्तर पर भी शुरू किया गया। इसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आयुष्मान भारत के साथ साथ उज्ज्वला योजना का उदाहरण दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। उन्होंने ये दावा किया कि डबल इंजन की सरकार के साथ हिमाचल प्रदेश में बीते 4.25 साल में लगातार विकास हुआ है और आने वाले 6 महीने में भी विकास की ये गंगा यूं ही बहती रहेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बार फिर ये दावा किया है कि पहाड़ी राज्य हिमाचल में बीजेपी सरकार एक बार फिर रिपीट करने जा रही है। नगर निगम जून और उसके बाद हो सकता है कि जुलाई में ही विधानसभा के और नगर निगम शिमला के चुनाव एक साथ हों। देखना यही होगा क्या राज्य सरकार इस बाबत जल्द ही कोई फैसला लेगी या फिर अभी और समय इस फैसले को लेने में लग सकता है। मजोट गांव का राजकुमार बीते 9 महीनों से बेड पर लेटा हुआ है, लेकिन उसे अभी तक सरकार की कोई भी मदद नहीं मिली है। राजकुमार की पत्नी आशो देवी का कहना है कि वे लगातार हॉस्पिटल के चक्कर लगाती रही, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी है। वहीं उन्होंने बताया कि वे भी पिछले 10 वर्षों से कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन उन्हें भी आज दिन तक सहारा योजना का कोई लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने प्रदेश की जयराम सरकार से गुहार लगाई है कि उनके लिए सरकारी मदद दी जाए ताकि वे अपना पालन करें।